नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस के कहर से दहशत में है, लाखों लोग इसकी चपेट में हैं, तो हजारों की मौत हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। भारत में दूसरे देशों की अपेक्षा स्थिति जरूर बेहतर है, लेकिन इसका संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। यही कारण है कि देश भर में लॉकडाउन, कई स्थानों पर तो कर्फ्यू लगा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। इन्हें दो वक्त की रोटी भी बमुश्किल से नसीब होती है। इन लोगों को कुछ समस्या ना हो, इसके लिए देश भर में सरकारी और गैर सरकारी सामाजिक संस्थाएं इनकी सेवा में जुटी हुई है। करनाल में एक ऐसी संस्था है जो लॉकडाउन के पहले दिन से निस्वार्थ भाव से सेवा में लगी हुई। आपको बता दें कि आरएसएस की शाखा सेवा भारती संस्था की टीम करनाल जिले में गरीब और जरूरतमंद लोगों को मास्क के साथ राशन वितरण कर सेवा मुहैया करा रही है। आज समाचार एक्सप्रेस की टीम ने सेवा भारती द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और कुछ लोगों से बातचीत भी की। बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको हैरानी होगी कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी अपने हिसाब से सेवा में जुटी हुई हैं। यहाँ पुरुष सेवाकर्मी राशन वितरण की व्यवस्था को संभाल रहे हैं, तो महिलाएं घरों में रहकर मास्क तैयार कर रही हैं। जानकारी लेने पर पता चला कि कुछ महिलाएं सुबह 6 बजे से मास्क को तैयार करने में जुट जाती हैं। इस कार्य में उनके घर के बच्चे भी उनका साथ दे रहे हैं। कोई कपड़ा काट रहा है और कोई सिलाई में जुटा है। सेवा भारती के सैकड़ों सदस्य करनाल शहर के साथ साथ विभिन्न कस्बों में भी हजारों लोगों को राशन वितरण की सेवा दे रहे हैं। राशन में आटा, दाल, चावल, तेल के साथ साथ अन्य जरूरी सामान वितरित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सोशल डिस्टेंस बना रहे और कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, इसके लिए भी सेवा भारती संस्था के सेवादार उन दुकानों पर निस्वार्थ भाव से खड़े रहते हैं जिन्हें प्रशासन द्वारा खोलने की अनुमति प्रदान है। वहां पर भीड़ एकत्रित ना हो, इसके लिए सैकड़ों सेवादार लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। ठीकरी पैरों पर भी ये सेवाएं दे रही हैं। इतना ही नहीं, जनता की सेवा में दिन रात सड़कों पर तैनात पुलिस कर्मियों के लिए भी सेवा भारती के सेवादार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पुलिस कर्मियों को समय समय पर खाने के सामान के साथ साथ तरल पेय पदार्थ भी दिया जा रहा है, ताकि गर्मी में भी वह स्वस्थ रह सके। इसके अलावा जानकारी लेने पर यह पता चला कि सेवा भारती के द्वारा और भी विभिन्न तरीकों के जरूरतमंद और गरीबों को सेवा मुहैया करवाई जा रही है। सेवा भारती का कहना है कि इस आपदा की घड़ी में सभी को एक दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह आपके पड़ोसी हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति। प्रत्येक जरूरतमंद की अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करें, यही उन्होंने सीखा है और जनता को भी यही सेवा का पाठ पढ़ाना उनका मकसद है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि सेवा भारती के सेवादारों ने क्या कुछ कहा। करनाल से विशेष संवाददाता तरुण मदान की यह एक विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय जुड़े हैं समाचार एक्सप्रेस से। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय COVID-19 यानी कोरोना वायरस के चलते पूरे विश्व में दहशत का माहौल है और हर जगह पर, हर देश में, हर जिले में, हर कस्बे में वॉलंटियर या सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा जरूरतमंद और गरीब लोगों को राशन वितरण के साथ साथ अन्य कई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इसी कड़ी में एक और संस्था हमारे साथ है जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, जिन्हें हम सेवा भारती के नाम जिनका नाम सेवा भारती है और बताया गया जा रहा है कि पूछता है कि ये RSS की शाखा है और जिले भर नहीं, पूरे भारतवर्ष में RSS की ऐसी शाखाएं मौजूद हैं जो कि गरीबों और जरूरतमंद लोगों को इस आपदा की घड़ी में राशन वितरण के साथ साथ अन्य कई सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। गरीबों और जरूरतमंदों के साथ साथ ये लोग पुलिस वाले जो कि दिन रात 24/7 कोरोना योद्धाओं की तरह सड़कों पर डटे हैं, उन्हें भी कई चीज़ें मुहैया करा रहे हैं। मैं सबसे पहले बात करने का प्रयास करूंगा यहाँ पर जो इस प्रोजेक्ट के सबसे प्रमुख है, मिस्टर दिनेश गर्ग जी, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका समाचार। नमस्कार। सर, किस तरह की गतिविधियों का यहाँ पर तैयारी की जा रही है? वास्तव में यहाँ पर जब से ये COVID-19 का ये महामारी का प्रकोप प्रारंभ हुआ, तभी से ही जो है, जैसे 22 तारीख का जनता कर्फ्यू था, तो 21 तारीख से हमने प्लान किया कि इस समय जनता कर्फ्यू में और इस बीमारी को देखते हुए जो भी लोग पब्लिक सर्विसेज में लगे हैं, कहीं भी लगे हैं, उनके पास मास्क होने बहुत आवश्यक हैं। तो सबसे पहले उसी दिन से हम लोगों ने मास्क वितरण का काम प्रारंभ किया। कोई दूध वाला था, ऐसे ही जा रहा था बिना मास्क के, उसको मास्क दिया। कोई रिक्शा वाला है, कोई थ्री व्हीलर वाला है, क्योंकि जनता कर्फ्यू में वो सब अलाउड थे।
तो जो भी वहाँ पे पब्लिक भी थी उन सबको भी मास्क देने का काम हमने उस समय किया। उसके पश्चात ध्यान में आया कि अपने अभी कुछ ऐसे लोग होंगे जो रोज दैनिक दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन अब उनका काम बंद हो गया जब से लॉकडाउन हुआ। तो ध्यान में आया कि उनका गुजर बसर कैसे होगा, और वो उनका यहाँ राशन कार्ड भी नहीं है इवन, क्योंकि सब लोग बाहर से हैं वो लोग। तो उसके लिए भी फिर हम लोगों ने जो है एक राशन वितरण का काम प्रारंभ किया। और अभी जो है ये मानिए कि उसमें हम हमारे बहुत से लोग जो हम सेवा भारती से जुड़े हुए हैं उन सब ने आगे बढ़ के इसमें पूरा तरह से योगदान दिया अपना। और उस उन सबके सहयोग से सेवा भारती ने जो राशन था उस राशन को वितरण करने का काम प्रारंभ किया। और इसके अंदर भी वितरण के लिए हमारे प्रशासन की ओर से हमारे जिम्मे 7, 8 और 10 वार्ड लगे थे विशेष रूप से, क्योंकि प्रशासन ने एक व्यवस्था बनाई थी कि भाई जिससे कोई डुप्लीकेसी ना हो, अर्थात किसी जगह डबल पहुंच जाए, किसी जगह एक बार भी ना पहुंचे। तो इस दृष्टि से हमारे जिम्मे वार्ड नंबर 7, 8 और 10 लगे थे। तो हमने उन वार्डों में तो दिया ही, लेकिन अपने सब पूरे शहर में अपने कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से जहाँ कोई जरूरतमंद हमें दिखा वहाँ के MC को संज्ञान में लेते हुए, साथ में उसकी जानकारी में देते हुए, वहाँ की जो सेवा संस्था काम कर रही है पहले हमने वहाँ उनसे कोशिश की कि उनसे मिले, नहीं तो फिर हमने यहाँ से सब वार्डों में हमने यहाँ से भेजा। और अभी लगभग 3200 के आसपास जो है हम जो है यहाँ से पैकेट जो है इस तरह से वितरित इस केंद्र से कर चुके हैं अपना। वैसे पूरे जिले के अंदर जो है इस तरह राशन वितरण का काम सेवा भारती का चल रहा है। सर कितने वॉलंटियर्स होंगे आपके पास इस समय? हमारे जो वितरण के अंदर 100 के लगभग वॉलंटियर हमारे काम कर रहे हैं जो वितरण के अंदर लगे हैं। केवल कुछ लोग जो है ठीकरी पहरे के ऊपर जो है केमिस्ट की दुकान पे और किराने की दुकान पे व्यवस्था बनाने की दृष्टि से भी लगे, और कुछ लोग यहाँ पे इस सारे वितरण को कलेक्शन करने में, वितरण करने इसमें यहाँ की व्यवस्था बनाने में भी लगे हुए हैं। लगभग 15-20 कार्यकर्ता यहाँ संभालते हैं, 101 के लगभग कार्यकर्ता फील्ड में इस काम को देखते हैं, वितरण के काम को। और लगभग जो है बाकी लगभग 101 के लगभग कार्यकर्ता हमारे पूरे उसमें क्षेत्र में ठीकरी पहरा लगाने के लिए भी, ताकि वहाँ पे कोई लॉकडाउन का ब्रेक ना हो, उनको नम्रतापूर्वक आग्रह करते हुए उसको पूरा कराने का प्रयास किया। क्योंकि प्राथमिकता हम भी जानते हैं कि राशन वितरण की प्राथमिकता तो है ही है, लेकिन उससे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि भाई कोई भी जो ये लॉकडाउन का मकसद है कि महामारी ना फैले, उस सुरक्षा चक्र को बनाए रखना वो हमारी पहली प्राथमिकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संघ के कार्यकर्ताओं ने सभी क्षेत्रों में ये काम भी अपने साथ साथ किया। सर ये किट में जो राशन के वितरण की आपकी जो किट होती है इसमें क्या क्या सामान दिया जाता है? इसमें हमने लगभग 12 दिन के आसपास का, 12 से कोई 12 किसी परिवार में 12 दिन चल सकता है, किसी में 10 दिन, किसी में 15 दिन परिवार के जनों के हिसाब से। तो लगभग हमने 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, तेल की एक बोतल जो है, और साथ में एक चीनी 1 किलो, और साबुन कपड़े धोने के लिए, दाल, आलू, और ये मसालों में हल्दी और नमक और मिर्च, जो ये बेसिक चीज़ें हैं ये सारी हमने इस किट के अंदर अपनी ओर से शामिल की। सर अगर कोई ज़रूरतमंद है तो वो आपसे अगर संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकता है? वो सेवा भारती के नंबर वैसे सामान्यता वैसे भी लोगों के पास मतलब जो है किसी ना किसी माध्यम से मिल जाते हैं, और दूसरा हमारे कार्यकर्ता भी क्षेत्र में हैं, उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से जैसे पहले हमने सब जगह भिजवाया है, किसी की आवश्यकता रहती है तो उनसे संपर्क करता है, उनके माध्यम से हमारे तक पहुँच जाती है, या किसी के पास सीधा फ़ोन नंबर आ गया कहीं से तो वो भी जब हमें फ़ोन करते हैं तो हमने यहाँ पे एक हेल्प डेस्क बनाया हुआ है, जैसे ही फ़ोन आता है तो हम उनको नंबर उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके ऊपर वो डिटेल लिख के फिर हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से वहाँ पे उसको भिजवा देते हैं। ये थे हमारे साथ प्रमुख, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि किस तरह से राशन वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। सैकड़ों सदस्य, सैकड़ों कार्यकर्ता, सैकड़ों वॉलंटियर्स जो इनको प्रशासन के द्वारा वार्ड दिए गए थे उससे बाहर जाकर भी ये लोग जरूरतमंदों की सेवा करने में जुटे हैं और जरूरत की सभी सामानों को वहाँ मुहैया कराया जाता है। मैं एक और हमारे साथ सज्जन मौजूद है, मैं इनसे जानकारी लेने का प्रयास करूँगा। सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम राकेश है। राकेश जी आप इस समय संस्था के साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, तो सर आप इस समय से किस तरह से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं? इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है? मेरे को स्टोर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो भी जिस क्षेत्र में किटें भेजनी होती हैं वो किटें हम लोग तैयार करके भेजते हैं वहाँ पर, और जो भी सूची बनती है नाम की अलग अलग कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो उसमें चिन्हित करके किन किन को देनी है उनके परिवार का निरीक्षण करवा के तो व्यवस्था करती है हम भेजने की वहाँ। सर इन्होंने हमें बताया कि इनके पास ये सूची तैयार करते हैं और इनके पास जो सूची आती है उसके तहत राशन वितरण का कार्यक्रम किया राशन वितरण किया जाता है,
इन्होंने ये भी जानकारी दी कि संघ के कार्यकर्ता केवल राशन वितरण नहीं करते बल्कि युवा जो है वो ठीकरी पहरा ताकि लॉकडाउन की चेन को तोड़ा जा सके और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जा सके उन तक भी वो वाला कार्य भी इनके वॉलंटियर्स करते हैं, वो भी 24 घंटे दिन रात जगह जगह पर ठीकरी पहरों पर, चाहे वो राशन की दुकानें हैं चाहे वो केमिस्ट शॉप हैं, वहाँ पर चेन को तोड़ा जा सके, वहाँ पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके, वहाँ पर लोग इकट्ठे ना हो, व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए भी इनके कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद रहते हैं। इसके अलावा इन्होंने हमें यह भी जानकारी दी कि अगर कोई भी ज़रूरतमंद मदद चाहता है इनसे किसी भी तरह की तो इनके नंबर कई जगह पर मौजूद हैं, वो स्वयं भी यहाँ पर आकर इनके हेल्प डेस्क पर अपनी शिकायत अपनी ज़रूरत को दर्ज करवा सकता है। मैं एक बार फिर दिनेश जी से बात करना चाहूँगा। दिनेश जी, मैं ये जानना चाहता सर पुलिस वालों की आप किस तरह से मदद कर रहे हैं? हाँ, इसमें हमें ये भी ध्यान में आया कि जो लोग इस महामारी के इस सारे आपातकाल में जो हमारे कोरोना योद्धा पुलिस कर्मचारी हमारे बैंक कर्मचारी इन सारे रिस्क को लेते हुए भी वो अपनी वर्किंग में लगे हुए हैं, डॉक्टर्स मेडिकल स्टाफ जो लोग भी सारे काम में लगे हुए हैं उन सबका भी एक हम कहेंगे कि भाई उत्साहवर्धन भी होना चाहिए उनका और ये हमारी ड्यूटी भी है। और इसमें ख़ास तौर से पुलिस वालों को, पुलिस वाले हर समय ड्यूटी पे रहते हैं तो उनको भी हम एक समय पे ज़्यादा तो नहीं चलो कुछ अपने से भी हो जाए, इस दृष्टि से हमने एक बार शाम को जो है उनको बिस्कुट वितरण और रस वितरण इस तरह का काम भी हमने जो है उसमें किया। देखिए इनका ये कहना है कि पब्लिक तो करती, पब्लिक के लिए तो करते करते हैं, इसके अलावा जो कोरोना योद्धा जो पुलिस वाले हैं जो नाके पर तैनात रहते हैं दिन रात उनके लिए भी वो मास्क से लेकर उनके बिस्किट और उनके खाने पीने की व्यवस्था का इंतजाम करते हैं। आइए हम चलते हैं इनका स्टोर रूम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको किस तरह से। अभी एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा। हाँ जी बताइए कि अभी हमारा इसके साथ मैंने बताया कि मास्क वितरण तो हमने प्रारंभ में किया ही था, शुरू तभी से शुरू कर दिया था पहले दिन से ही, लेकिन उसके बाद हमें लगा कि गरीब लोगों के पास क्योंकि मास्क की भी एक अपने आप में एक समस्या है तो हमने ऐसा मास्क, एक तो होता है वन टाइम यूज वाला, एक है कि बार बार धो के उसको प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा एक बढ़िया मास्क जो है कॉटन का जो है कॉटन के कपड़े का वो भी हम सेवा भारती में तैयार करा रहे हैं। सेवा भारती के माध्यम से पूरे प्रांत में लगभग 2 लाख का मास्कों का जो है हमने एक टारगेट बना के भी इनको वितरण किया जाए ऐसा हमने प्रारंभ किया। अपने केंद्र पे भी कई जगह जो है घरों में ये बन रहे हैं, बनने के बाद यहाँ पे धुलने के बाद प्रेस होने के बाद यहाँ से पूरी तरह से एक उसका क्लियर होने के बाद फिर यहाँ वितरण के लिए यहाँ से वो जाते हैं। और मैंने जैसे बताया कि ये जिले का केंद्र है हमारा, तो जिले का केंद्र के नाते त्रावड़ी में बना हुआ भोजन हमारे सेवा भारती के माध्यम से कार्यकर्ताओं के माध्यम से वहाँ भी वितरित किया गया। त्रावड़ी में घरौंडे के अंदर भी जो है राशन वितरण अलग से किया गया, निगदू के अंदर अलग से राशन वितरण किया गया, कुंजपुरा में जो गीता स्कूल है बड़ा गांव में वहाँ से पूरा कुंजपुरा का जो क्षेत्र है वहाँ पर वितरण किया गया, इंद्री में भी जो है राशन वितरण किया गया। जो मैंने 3200 संख्या बताई है वो केवल यहाँ यहाँ की बताई है, उसके अलावा भी लगभग जो है 2500 के आसपास जो है मोटे तौर से 2500 से 3000 के लगभग बाकी जगह भी जो है इस तरह से राशन वितरण हुआ है और बना हुआ भोजन भी वितरण हुआ है। दिनेश जी ने बताया कि करनाल ही नहीं, करनाल के अलावा जो कस्बे हैं चाहे वो इंद्री है चाहे वो गोरुंडा है चाहे वो नीलोघड़ी है चाहे वो तरावड़ी, वहाँ पर भी संघ कार्यकर्ता पहुँचा रहे हैं राशन वितरण की उसको। इसके अलावा इन्होंने हमें मास्क भी दिखाया किस तरह से कॉटन का मास्क यहाँ पर तैयार किया जाता है, जो इस संघ से जुड़े लोग हैं उनके घर की महिला सदस्या इनको तैयार करती हैं बिना किसी चार्ज के बिना किसी कॉस्ट के। ये देखिए उसके बाद ये तैयार होने के बाद यहाँ पर आता है, इसको प्रॉपर सैनिटाइज किया जाता है, ये वन टाइम यूज़ नहीं है, इसको आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ पर सैनिटाइज करने के बाद इसको सैनिटाइज करने के बाद ही इसके बाद इसको सप्लाई के लिए वितरण के लिए भेजा जाता है। और इनका टारगेट है कम से कम 2 लाख ऐसे मास्कों को लोगों को वितरण करना। इनका ये भी कहना है कि जब से जब जनता कर्फ्यू लगा था उस दिन से इन्होंने सोच लिया था कि हमने इस मास्क के को तैयार करना है और लोगों तक पहुंचाना है ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। इनका प्रयास बेहद ही सराहनीय है। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। मैं इस समय हूं संघ के एक कार्यकर्ता के घर में जहां पर उनकी धर्मपत्नी के द्वारा मास्क को बनाया जा रहा है। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि इनको यह सेवा भाव की प्रेरणा कहां से मिली। मैम, आपको ये मास्क बनाने की प्रेरणा कहां से मिली? मेरे को सेवा भारती से मिली। मैम, आप एक दिन में कितने मास्क तैयार कर लेते हैं? एक दिन में 21 कर लेती हूँ। और एक मास्क को बनाने में कितना समय? ये 10-5 मिनट। आप कितने दिनों से ये कर रहे हैं? हो गए होंगे 10-15 दिन हो गए होंगे। देखिए इनका कहना है कि ये पिछले 10-15 दिनों से इस कार्य में जुटी हैं, सेवा भारती से प्रेरणा लेकर ये इस काम में जुटी है ताकि लोगों तक उनकी मदद पहुँच सके। एक दिन में 20 से 21 मास्क बनाए जाते हैं, ठीक है। और एक और हमारे साथ एक मौजूद है, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। बेटे, आपका नाम? रुचि।
रुचि बेटा, आप क्या अपील करना चाहेंगे जो कोरोना वायरस का संकट फैला हुआ है देश भर में, आप इसके लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहला तो यही कि जो सभी हमारे देशवासी हैं वो अपने घरों में रहें और अपने आप को बिल्कुल सेफ रखें और प्रधानमंत्री जी की बात को फॉलो करें। और दूसरी बात, ये जो मास्क हम बना रहे हैं घर में, ये एक सामाजिक कार्य है जो हम सेवा भारती के द्वारा कर रहे हैं अपने घरों में। और अगर कोई इस काम को करना चाहता है तो वो अपने घरों में भी ये कर सकता है। ये हमारी जो देश की नागरिक जनता है उनके काम आएगा, जिनके पास नहीं है ये, उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखिए, इन बेटी ने बड़ी अच्छी बात बताई। इनका भी ये कहना है कि प्रधानमंत्री के निर्देशों का, आदेशों का पालन किया जाए, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। बाकी रही मास्क बनाने की, उनका कहना है कि प्रत्येक नागरिक ये जिम्मेवारी ले सकता है, प्रत्येक नागरिक काम कर सकता है। आइए मैं संघ के कार्यकर्ता सुनील जी से बात करने का प्रयास करूँगा। सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा सभी लोगों को, जो अपने संघ के कार्यकर्ता हैं, कि वो सब जितने भी अपने संघ के टीम हैं उनके घर घर में पहुँचाएँ, कम से कम अगर पड़ोसदारी जिससे भी हेल्प ले सकते हैं उनकी हेल्प लें। महिलाओं को घर बैठे काम मिलेगा और समाज सेवा का एक बार मौका मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए, जो हम संघ के 30-30 साल के कार्यकर्ता हैं, स्वयं आएँ, सेवा भारती जाएँ, वहाँ से काम लें और काम घरों में करें और अपना जो नियम है उनका पालन करें। सबसे जरूरी है नियम का पालन करना, डिस्टेंस रखना और अपना सैनिटाइज कराना, अपने घर को, परिवार को, उनको दिखाना, समाज को बताना कि हम घर बैठे बैठे भी समाज की बहुत सेवा कर सकते हैं। देखिए सर, इन्होंने भी यही बात कही है कि हर प्रत्येक नागरिक की यह जिम्मेवारी बनती है कि आपदा की घड़ी में वह अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाए, जिसको मदद की जरूरत है उस तक मदद पहुंचाने का प्रयास करे, चाहे वो संघ का कार्यकर्ता है या इनके अड़ोसी है या पड़ोसी है, जिसको भी मदद की जरूरत है उन तक मदद पहुंचनी चाहिए। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के साथ समाचार एक्सप्रेस के लिए, धन्यवाद। मैं इस समय मौजूद हूँ संघ के एक अन्य कार्यकर्ता सतेंद्र जिंह के यहाँ, जहाँ पर भी मास्क बनाने का कार्य जोरों पर चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से जो लॉकडाउन के दौरान पुरुष घर में बैठे हैं वो भी मास्क बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, वो कटाई भी करते हैं, कपड़े की कटाई करते हैं, और महिलाएं यहाँ पर सिलने का काम कर रही हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। मैम, सबसे पहले आपका नाम? सुनीता जी। सुनीता मैम, आप एक दिन में कितने मास्क तैयार कर लेते हैं? 60-70 कर लूँ। सो हाँ जी, तो मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि पीछे जैसे रेट लिस्ट लगी हुई है यहाँ पर, इस हिसाब से आप पहले सिलाई का काम करते हैं, तो आजकल वो काम बंद किया? ITI डिप्लोमा। हाँ जी, तो आजकल वो काम बंद है। देखिए, इनका ये कहना है कि ये दिन में 60-70 मास्क बना लेते हैं, वैसे ही सिलाई का काम करते हैं, ITI डिप्लोमा इन्होंने किया हुआ है, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो काम छोड़कर ये दिन में 60-70 मास्क बना लेती हैं, और इसकी प्रेरणा भी इन्हें संघ के माध्यम से मिली है। और आप मैम समाज को कुछ कोरोना के लेकर कुछ अपील करना चाहेंगे? ये सेवा है जी, ये सेवा कर रहे हैं हम, आपस में मिलजुल के करनी है ये। लोगों को जागरूक करने के लिए आप क्या कहेंगे? करने जितना भी हो सके इसमें सहयोग देना चाहिए सभी को, है ना? देखिए, इनका भी ये कहना है कि जिसका जितना बन पड़ता है इस आपदा की घड़ी में उसको इतना सहयोग देना चाहिए। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। सर, आप शाखा के या संघ के साथ कितने समय से जुड़े हुए हैं? मुझे 25 साल हो गई। 25 सालों से आप संघ के साथ जुड़े हैं और संघ की सभी गतिविधियों में आप भाग भी लेते होंगे, तो सर इस आपदा की घड़ी में आप समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? समाज से अपील करें, जो भी सरकार गाइडलाइन दे रही है, जो भी संदेश दे रही है, उनको पालना करनी चाहिए। घर से कम बाहर निकले, मास्क लगा के निकलें, और ये सेवा भारती की तरफ से ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है पब्लिक की सेवा के लिए। जो भी आम जन साधारण है, कोई खरीद नहीं सकता, गरीब आदमियों के लिए ये 2 लाख मास्क बनाने का तरीका है, उनमें कुछ सहयोग हमें सेवा करने का हमें भी दिया है संघ ने, तो हम वो ये अपने आप को पुण्य का भागी मानते हैं कि संघ ने इन्हें सेवा का मौका दिया। पिछले 25 सालों से संघ से जुड़े हैं, विभिन्न गतिविधियों में लगातार भाग लेते रहते हैं, और इस गतिविधि में भी संघ के साथ हैं। इनकी आम जनता से भी ये अपील है कि वो घरों में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके, और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो अपील की गई है, जो निर्देश जारी किए गए हैं, और स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनकी भी पालना की जानी चाहिए। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के साथ समाचार एक्सप्रेस के लिए, धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।